अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इस रेसिपी का नाम है टिंडे गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और टिंडे के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। टिंडे गर्मियों की सबसे ज़्यादा ठंडी सब्जी के नाम से पहचाने जाते हैं और टिंडे वैसे ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाना पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ टिंडे गोश्त की रेसिपी शेयर करें। उससे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप तक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बनाने के लिए हमने हाफ के जी ले लिया है बीफ का गोश्त। टिंडे गोश्त बनाने के लिए हमने पोट के अंदर हमने ऐड कर दिया 1 कप ऑयल। वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, इसे हमने बारीक काट लिया है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इसमें ऐड कर दी है और हम करेंगे सॉफ्ट गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 अदद, दालचीनी 2 अदद, लौंग 1 अदद, बादियान का फूल और 7 से 8 अदद काली मिर्च। तमाम मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तमाम खड़े मसाले। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ों को डाल के से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। खड़े मसाले और प्याज के साथ हम फ्राई कर रहे हैं। मसालों का जो फ्लेवर है वो प्याज के साथ आ जाए। देंगे प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 kg बीफ का गोश्त। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, हमने इसमें ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है प्याज के साथ, खड़े मसाले के साथ। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे क्यूब शेप में काट लिया। इसको हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर और सभी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टिंडे गोश्त बनके तैयार होगा। अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। डाल के अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं, इसे हम कुक कर लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और हमने अदरक लहसुन डाल के इसे अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसीस, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर आप चाहें तो 1/3 स्पून कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, उसको हम लो फ्लेम पे भून लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से भून चुका है, ताकि हमने मसाला इसलिए भुना है ताकि गोश्त के अंदर इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए और कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 4 गिलास पानी। यहाँ हमने 4 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है और ऐड कर दिया। इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारा कुछ अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर हम दोबारा भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टिंडे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि हमारा कुछ अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। इसे हमने कवर करके रख दिया 2 घंटे का, फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। जो टिंडे लिए जिसे हमने वॉश करके अच्छी तरीके से काट लिया है, आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं। इसका हम कवर हटा के आपको दिखा देते हैं गोश्त टेंडर हुआ या नहीं। 2 घंटे के अंदर हमारा गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, अच्छी तरीके से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। इसको हम भुनाई कर लेते हैं इसकी। इसका मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है, हमारा सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है बहुत अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टिंडे जो हमने काट के रखे गए थे। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं टिंडे, सारे ऐड करने का फिर आपको दिखाते हैं। टिंडे को उसमें ऐड कर दिया, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसे हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से टिंडों के साथ। तमाम टिंडे डालने का इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हम इसे टिंडों के साथ गोश्त को भून लेंगे ताकि हमारे टिंडों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए। लिया है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें आ चुका है कलर और रोगन भी सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद हरी मिर्ची, जिसे हमने बीच से कट कर लिया है। उसके अंदर ऐड कर देते हैं, फिर काट के डालेंगे ताकि हमारे टिंडे और गोश्त के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है हरी मिर्चों का। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टिंडे अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएँ। हमने यहाँ 2 गिलास पानी ऐड कर दिया, साथ ही हमने 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी है बीच में से कट लगा के। अब इसे हम कवर करके रखते हैं 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे टिंडे अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएं। 20 मिनट के फिर आपको दिखाते हैं। हो चुके हैं, हमने टिंडे डाल के रखे थे, उसका हम कवर हटा के आपको उसका लुक। टिंडे हमारे अच्छी तरीके से टेंडर कंडीशन अच्छी तरीके हो चुके हैं, तरीके से गल चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 अदद हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये देख सकते हैं हमारे टिंडे गोश्त हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी। तो हम डिश आउट करने के फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह हमारे टिंडे गोश्त की रेसिपी हो चुकी है कम्प्लीट रेडी। से गार्निश कर रहे हैं बारीक कटा हरा धनिया के साथ। बहुत ही ज़्यादा जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।